सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं युवराज आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर स्वागत करता हूं। तो गाइस, यहां पर Xiaomi ने MIUI का जो सिक्योरिटी ऐप है उसके अंदर हमें एक नया अपडेट प्रोवाइड किया है। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाला है। तो ये अपडेट सभी यूज़र को और सभी फ़ोन के लिए रोल्ड आउट हो रहा है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो इसके चेंजेस के बारे में, क्या कुछ इसके अंदर आपको नया मिल रहा है। तो इसके अंदर आपको कोई भी नया फीचर नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर जितने भी बग्स थे उसको फिक्स कर दिया गया है और ओवरऑल जितना भी परफॉर्मेंस है उसको बेहतर बनाया गया है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको जो नया MIUI 12 का इंटरफेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी आइकॉन वगैरह है उसको अपडेट कर दिया गया है। मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर पुराना जो सिक्योरिटी ऐप है उसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, ये सभी जो जितने भी आइकॉन्स है उसको यहाँ पर अपडेट करके MIUI 12 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसा आपको एक नया अपडेट आज के दिन मिलने वाला है। तो चलिए भाई, अभी हम देख लेते हैं क्लीनर ऐप के अंदर जो क्लीन मास्टर का सर्वर है वो क्या रिमूव हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। तो जैसे ही भाई आप क्लीनर में यहाँ पर सेटिंग में आएंगे तो आप देख सकते हैं भाई, अभी भी यहाँ पर क्लीन मास्टर का जो सर्वर है वो MIUI वाले यूज़ कर रहे हैं। तो इस अपडेट के साथ आपको ये जो बग था, ये जो बैन ऐप हो चुका है इंडिया के अंदर, उसको अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। पर हम आशा करते हैं कि आगे के जितने भी अपडेट्स आएंगे उसके अंदर शायद आपको ये नहीं मिलेगा, ये रिमूव हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए गाइस ये रिमूव नहीं हुआ है। तो अभी गाइस मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इस ऐप को अपडेट करना है, कहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। तो अगर गाइस आपके पास लेटेस्ट MIUI 11 का अपडेट इंस्टॉल है तो आपको बस यहाँ पर सेटिंग में आना है, उसके बाद यहाँ पर सिस्टम ऐप अपडेटर पे आके एक बार चेक कर लेना है, यहाँ पर आपको ये अपडेट मिल चुका होगा। अगर गाइस आपका सेटिंग यहाँ पर ऑटो अपडेट में है तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री में जाके देख लेना है, यहाँ पर आपका जो अपडेट है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, मैंने इसको 12 अगस्त यानी कि आज के दिन अपडेट किया है तो यहाँ पर हिस्ट्री में शो कर रहा है। अगर गाइस आपको ये अपडेट अभी तक नहीं मिला है तो भाई परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसका APK फाइल भी आ चुका है। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने के बाद आप इसको सिंपली दूसरे APK फाइल की तरह जो है वो इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस तरीके से गाइस आप इस नए सिक्योरिटी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई इसी बात पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल वगैरह है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं नए वीडियो में।